छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जिला पुलिस की सक्रियता का असर अब दिखने लगा है। अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है, जिससे जिले में लगातार अभियान चलाकर हीरा तस्करों, अवैध शराब बिक्री, गांजा विक्रेता एवं जुआ सट्टेबाजों पर नकेल कसी है। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार 125 नग हीरा कीमती लगभग 20 लाख रुपए हीरा तस्करों से जब्त कर कार्यवाही की गई है। पूर्व में 2 हीरा तस्करों से 56 नग हीरा जब्त कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया था। इस अभियान में 830 लीटर अवैध शराब के साथ 107 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। नारकोटिक्स एक्ट के तहत 4 प्रकरण में लगभग 14 किलोग्राम गांजा जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। जिले में जुआ सट्टा पर नकेल कसते हुए 8 सटोरियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस कप्तान पटेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जाड़ा पदर के मोबाइल टावर के सामने एक लाल रंग के सुपर स्प्लेंडर में 2 व्यक्ति अपने पास रखे हीरे को बेचने के फिराक में घूम घूम कर ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी मैनपुर को टीम गठित कर कार्यवाही हित निर्देश दिए गए, जिस पर थाना प्रभारी मैनपुर उप निरीक्षक भूषण चंद्राकर द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों से तलाशी लेने पर 125 नग हीरा मिला। आरोपियों ने अपना नाम जोखो राम और विकास निवासी सीनापाली बताया है। पूछताछ करने पर कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना मैनपुर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से प्राप्त 125 नग हीरा, तोल यंत्र, 3 नग मोबाइल एवं प्रयुक्त 2 पहिया वाहन को जब्त किया गया। कार्यवाही में थाना मैनपुर प्रभारी भूषण चंद्राकर, नंद कुमार नेताम, प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा, आरक्षक माधव साहू तथा सैनिक पुरुषोत्तम दाहटे का कार्य सराहनीय रहा। गरियाबंद से संवाददाता राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। हम लोग इसमें ये पूछताछ कर रहे हैं कि ये इनको ये हीरा कहाँ से मिला, कहाँ से खरीदा, इस पर अभी हम लोग पुलिस विवेचना के दौरान और वैज्ञानिक जो है फैसल के माध्यम से हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिंक हम लोगों को यहाँ पर और भी मिले। सर, जब्त हीरे की अनुमानित कीमत क्या है? लगभग अराउंड 20 लाख आसपास। कितनी बड़ी कार्रवाई मानेंगे सर? ये हमारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि मुझे अपनी टीम के माध्यम से और बाकी लोगों से पता चला कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ 125 नग पुलिस ने जब्त किया है। तो निश्चित ये हमारी पूरी टीम के लिए और हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी सफलता है। सर, ये लगातार आपके आने के बाद कार्रवाई हो रही है सर, 181 नग मिले, ये हमारी पूरी टीम और आप सभी लोगों का सहयोग है, क्योंकि मीडिया का हमेशा हम लोगों को सहयोग मिला हुआ है और एडिशनल एसपी साहब और थाना प्रभारी सभी मिल करके एकजुट इस स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है। और चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की तस्करी हो, चाहे गांजा हो, चाहे शराब हो, चाहे हीरा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम पुख्ता से कार्रवाई करेंगे और हमारी टीम पूरी तैयार है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।